आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वी जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओला ने खेती की दशा व दिशा बिगाड़ दी है। गेहूं और सरसों की खड़ी फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है तो आलू की पछेती की फसल प्रभावित हुई है। प्रदेश के ज्यादातर जिले में बीते सप्ताह गुरुवार से शुरू होकर 3 दिन तक जबरदस्त बारिश और ओले गिरे हैं, जो किसानों के लिए आफत बनकर आए हैं। तेज आंधी के साथ गिरे ओले के चलते खेतों में खासी बढ़ चुकी है। गेहूं की फसल जिम्मेदोज हो गई है, वहीं सरसों से पके फूल टूट के गिर गए हैं। आलू की अगेती की फसल बाजार में आ चुकी है, मगर बड़ी तादाद में देर में बोने वाली फसल खेतों में ही खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस बार कई बार की बारिश के बाद भी आलू की अच्छी फसल की उम्मीद जताई जा रही थी। अगेती आलू की फसल प्रदेश में शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस और आगरा व इटावा में बाजार में ही भी आ चुकी थी। हालांकि बड़ी तादाद में आलू की फसल अभी खेतों में ही है, जहां क्यारियों में पानी भर गया है। उद्यान विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में आलू की पैदावार 160 लाख टन तक होने की उम्मीद थी। हालांकि अगेती की फसल को जाड़े की शुरुआती बारिश में नुकसान हो गया था। किसानों ने एक बार नुकसान उठाने के बाद लेट वैरायटी की फसल बोकर नुकसान को पूरा कर लिया था। बीते सप्ताह और एक महीने में दूसरी बार हुई जोरदार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जनवरी में हुई बारिश ने जहां गेहूं की फसल को सिंचाई का फायदा पहुंचाया था, वहीं इस बार ओलों के साथ आए आंधी पानी ने इससे नुकसान पहुंचाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले में गेहूँ की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।